पार्टी यहाँ के हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों भाइयों और बहनों, ये देखिए कल्याणपुरी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो जन सैलाब उतरा है, ये अरविंद केजरीवाल जी को पच नहीं रहा है और इसीलिए वो अपने गुंडे भेज कर हमारी गाड़ी को पार्टी के वाहन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब किसी की हार सुनिश्चित होती है तो हार उनको सामने दिख रही है, इसलिए बौखलाहट बढ़ गई है। कल्याणपुरी की जनता ने आपका कोरिया बिस्तरा बांध दिया है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की मजदूरों की बात करती है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को जो ईमानदार जनता है केजरीवाल को पैसा दिया है, उसके उस पैसे का दुरुपयोग वो अपने प्रचार प्रसार में कर रहे हैं। कल्याणपुरी के विधायक कोरोना काल में उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, वो यहीं से निगम पार्षद भी थे लेकिन उन्होंने निगम के अंदर कोई काम नहीं किया। आज कल्याणपुरी वार्ड का जो हाल है वो वहाँ पर ना तो सफाई है, ना सीवर है, ना पानी साफ आ रहा है और ना ही कोरोना समय में लोगों की मदद करने का काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है। आम आदमी जो कोरोना काल के अंदर मदद करने के लिए कौन आगे आया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। कौन आगे आया? नरेंद्र मोदी जी आगे आए। कौन आगे आया? जो इलाके में जाकर लोगों को राशन भोजन बांटा था। कोरोना काल के अंदर यहाँ के लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर जी आ गए और आज जब उनको हार सामने दिख रही है तो बौखलाहट बढ़ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, अपना संयम बनाए रखने की जरूरत है। 28 फरवरी तक अपना संयम बनाए रखने की जरूरत है। आज कल्याणपुरी की जनता का जो प्यार आशीर्वाद और समर्थन हमें मिल रहा है, 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सियाराम कनौजिया यहाँ से भारी बहुमत कल्याणपुरी में आम आदमी पार्टी के लोग झगड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो, हम झगड़ा करें क्योंकि पार्टी को मिला है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूँ, जीतने के बाद क्या होगा? कल्याणपुरी की जनता ने यह तय कर दिया है, सियाराम कनौजिया जी को समर्थन दे दिया है और कल्याणपुरी से सियाराम जी कल्याण करेंगे और हमारे
पूरी ताकत के साथ इस पदयात्रा रोड शो में चलेंगे और अंतिम जहां पदयात्रा समाप्त होगी वहीं हम जब तक मंच से अनाउंस नहीं हो जाएगा कि हम पदयात्रा को छोड़ेंगे नहीं। और आप सब लोग जो जो कार्यकर्ता आज आए हैं पूरे कल्याणपुरी के अंदर ये फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झगड़ा कर सकते हैं, यहाँ के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। हम सब लोग अनुशासन में इस पदयात्रा रोड शो में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।